फर्जी डिग्री मामले में निजी विश्वविद्यालय पर हुई कार्रवाई के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई ने प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों की जांच करवाने की मांग उठाई है। इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद ने डीसी ऊना के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री से प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों की जांच व नियामक आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2009 में प्रदेश में एक साथ 10 से अधिक निजी विश्वविद्यालय खोले गए थे। तब विद्यार्थी परिषद में विश्वविद्यालय खोलने को लेकर जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियां बेचने का मामला सामने आने से ये बात सच साबित हुई है, तो विश्वविद्यालय की निगरानी के लिए नियामक आयोग की भी जवाबदेही ली जाए कि प्रदेश के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि प्रदेश की सभी निजी विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों की उचित जांच की जाए ताकि शिक्षा के व्यापारीकरण के चलते विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रही है, जिसमें कि हमारी मांग है कि जो 2010 में प्रदेश सरकार ने 10 यूनिवर्सिटी 10 कॉलेजेस एक साथ खोले थे, उससे उस तब भी हमने उनको प्रदेश सरकार को रोका था कि ये कोई शिक्षा का वो नहीं है, ये शिक्षा का व्यापार बन जाएगा, लेकिन उस वक्त प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। तो आज जैसे हमारे सामने कुछ यूनिवर्सिटीज का खुलासा हुआ, कुछ फेक डिग्रीज हमारे सामने आई, तो हम डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को रोकना चाहते हैं कि या तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लक्की के साथ चंद्रमोहन चौहान। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू, जहां आपके बच्चों को मिलेगा सुनहरा भविष्य। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों की सीट बुक करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू।